देश में धीरे धीरे कर कट्टरता फैलाने का प्रतीक बनते जा रहे मदरसों की छवि को सुधारने के लिए अभी हाल ही में योगी सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, मदरसों के सर्वे की मुहिम। और सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर कौतूहल रहा है, जिस वजह से मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। असम में भी हिमंता बिस्वा सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है, सर्वे कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए, जैसे क्या है सिलेबस, कैसी जमीन पर हुआ है मदरसे का निर्माण, मदरसे को कौन चला रहा है, मदरसे में पढ़ाने वाला मौलाना कौन है, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना की शिक्षा क्या और कैसी है, मदरसे को चलाने के पैसे कहाँ से आ रहे, कहीं मदरसों का तबलीगी जमात और विदेशों से कोई लिंक तो नहीं। इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए मदरसों के सर्वे का काम किया जा रहा है। इस बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ और भी कर रही है, लेकिन इस पर काम गुपचुप तरीके से ही किया जा रहा है। जी, इस सर्वे के बीच में तय कर लिया गया है कि जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने कहा, मुस्लिम समाज के बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अवैध मदरसों पर कार्रवाई भी होगी। SIT इस मामले में जांच कर रही है, जो लोग अवैध तरीके से काम करते पाए जाएंगे उन पर सरकार का एक्शन होगा। मतलब अगर आप मदरसे को ठीक ढंग से चला रहे हैं, उसके पेपर, उसकी फंडिंग, उसमें पढ़ाने वाले मौलाना सब ठीक होंगे, जिस जमीन पर मदरसा चल रहा है वो कागजात ठीक होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर प्रदेश की योगी सरकार अवैध रूप से काम करने वालों या गलत काम करने वालों को बख्शेगी नहीं। दानिश अंसारी ने इस बारे में आगे बताया, हमने यूपी में इसलिए सर्वे कराया था कि हमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या पता चल जाए। हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, हम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज आगे बढ़ता हुआ पसंद नहीं है, इसलिए वो इस अभियान को मुस्लिम विरोधी बताकर लोगों को भड़काने में लगे हैं। फिर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए दानिश अंसारी ने ये भी कहा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार मुस्लिम समाज के बच्चों को आगे बढ़ाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ रही है, लेकिन जो लोग इसमें अनियमितता कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब योगी सरकार ने तय कर लिया है कि अवैध मदरसा चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई का हंटर जरूर चलाया जाएगा। धीरे धीरे कर गुपचुप तरीके से इस दिशा में SIT अपना काम कर भी रही है। वैसे अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट में सामने आया था कि भारत नेपाल सीमा पर मदरसों का जाल फैला हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर फैला मदरसों का जाल। रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर मदरसों का जाल बहुत तेजी से फैल रहा है। नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले में बिना मान्यता के 602 मदरसे चल रहे हैं। इनमें 15 मदरसों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। सिद्धार्थनगर जिले में सबसे ज्यादा 528 मदरसे चलते हुए पाए गए हैं, जबकि महराजगंज में ऐसे मदरसों की संख्या 74 है। वहीं गोरखपुर में ऐसे मदरसों की संख्या 189 पाई गई है। इन मदरसों की आय के स्रोत खंगाले जा रहे हैं। वैसे यूपी में सर्वे का काम एक तरह से पूरा हो चुका है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना तो साल 2017 में ही योगी सरकार की तरफ से कर दी गई थी, जिसका मकसद मदरसों के कामकाज में अनियमितताओं की जांच करना था। प्रदेश की योगी सरकार ने बीते 30 अगस्त को राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो मदरसों का सर्वे करें। 10 सितंबर को शुरू हुआ सर्वे का काम 15 नवंबर को अंतिम रिपोर्ट शासन को भेजने के साथ खत्म हुआ था, लेकिन अभी भी इस दिशा में काम रोका नहीं गया है। बल्कि जिन जिन मदरसों पर शक है, संदिग्ध गतिविधियां होती जिन जिन मदरसों में पाई गई हैं, उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का डंडा तो योगी सरकार निश्चित तौर पर चलाने वाली है। वैसे अवैध मदरसों के खिलाफ इस गुपचुप तरीके से हो रहे काम पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।